ये एक्साइटमेंट ऑब्वियसली किस चीज के जानते ही हो मौसी की जिन आने वाली है yeah! आपने 1500 तो कमेंट किए नहीं इस वीडियो पे, तो हम आज महंगी जिन तो नहीं ट्राई कर रहे, बट आप मौसी की जिन बिल्कुल ट्राई करेंगे। सोडा के साथ इतनी भी बुरी नहीं लगती दोस्तों क्या कर रहा है ये लग रही है ड्रिंक 100 नंबर डूड, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। अदरक की क्या खुशबू आ रही है, इसको मैं दूंगा 1 नंबर। गले में और फेफड़ों में कुछ हो रहा है दोस्तों, आज हम क्रम ट्राई करेंगे बिकॉज वी नीड टू ट्राई अ लॉट ऑफ स्टफ एंड I don't want a scenario जिसमें हम कुछ ऐसी चीज की तारीफ करते जो कि एक्चुअल में अच्छा नहीं है और फिर कल को तुम हमें गाली दो पीते पीते। कोई बात नहीं, पीते पीते कोई किसी को गाली नहीं देता, सब एक दूसरे के भाई हो जाते हैं। अगर तुम पीते पीते किसी को गाली दे रहे हो तो तुम्हें और पीने की जरूरत है। मुझे पता है टॉनिक वाटर की सबसे अच्छी बात यह लगती है, एकदम ऐसा लगता है, शायद मैंने ये बात पहले भी बोली है, चिल चिलाती धूप में आप घर आए हो और किसी ने आपको एकदम चिल्ड नींबू पानी दे दिया, और ऐसा नींबू पानी जिससे नशे होते हैं। मुझे तो GNT पीते हुए ऐसा लगता है कि मैं कुछ हेल्दी चीज़ पी रहा हूँ, बट आई फील इससे अच्छी चीज़ जिन के साथ करें कुछ होती नहीं है। क्यों? क्योंकि आई फील जिन का ना टेस्ट इन जनरल थोड़ा स्वीट होता है, और कई लोग स्वीट मिक्सर्स मिलाते हैं जिसके बाद जिन बहुत ज़्यादा मीठी रहती है। आई डोंट लाइक इट बिकॉज ऑफ दैट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी क्लासिक होती हैं दैट यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट, दिस इज वन ऑफ दोस। इसीलिए मुझे बहुत पसंद है जिन के साथ टॉनिक। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई फील कि क्लासिक चीजों के साथ ज्यादा कुछ ट्राई भी नहीं करना चाहिए, एंड जिन इसलिए मैंने सिर्फ टॉनिक के साथ पिया, तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी ट्राइंग जिन विद अदर स्टफ। इससे बेटर कुछ नहीं, आई विल गिव दिस 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। मैंने एक दो बार कॉकटेल ट्राई किया, मुझे अच्छी लगी, बहुत मीठी लगती है, बट या दिस एनी डे डिजर्व्स 9। मैं सोचता था पहले 10 दो, फिर मैंने कहा नहीं 9 देते हैं, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। यार मुझे ना कोक के साथ इन जनरल कुछ उतना पसंद नहीं आता, अपार्ट फ्रॉम ओल्ड मंक। कोक के साथ नहीं, ओल्ड मंक होनी चाहिए थम्स अप के साथ। अरे मतलब भाई बहन, नहीं भाई, थम्स अप और कोक के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ ठीक है, मुझे इन जनरल दोनों में से कोई भी अच्छी नहीं लगती, बट ओके मार के आ रहा हूँ जिनको ऐसा लग रहा है कि कोक बहुत सही लगती है जिनके साथ, मैं ट्राई करना। इन्होंने जिन खराब कर दी। हाँ कोक ने, मैं बता रहा हूँ, जिन खराब कर दी। मौसी जी होती है गाली दे देती है हमें। सही में संगत का असर इसी को बोलते हैं। एक गंदी मछली तालाब को गंदा कर देती है या, लेकिन इसको नंबर कितने देगा तू? ओ नंबर भी तो देने से, यू डिजर्व 3 बट मौसी जी के लिए 4। मैं भी इसको 4 नंबर दूंगा, बट पता है वो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप ये कह सकते हो कि यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, ये उसका उल्टा है। इसमें yeah. डालने का जिन भी बुरी लग रही है और कोक का भी स्वाद बुरा लग रहा है। हाँ। दोनों ही बुरे हो गए। इसके साथ मैं बता रहा हूँ शर्मा जी का बेटा भी होता था, वो भी फिर खत्म हो जाता। हाँ, ये दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये फ्लेवर ऐसा है जो मैं बिना किसी चीज के पीने के लिए भी एक्साइटेड हूँ, चिली ग्वावा। चीयर्स। You didn't like it? मिलाना पड़ेगा। इसने मेरे में ज्यादा डाली है। मैं चिली गुआवा को दूसरा मौका दूंगा। I तो liked it, बस थोड़ा। I liked it, बस इसके अंदर ना जिन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो सकती थी। जूस भी बढ़ा नहीं सकते, हम पूरा पी गए। हमारा इतना ही बजट था, हम ये 2 पेपर बोट खरीद सकते थे। एक पेपर बोट आता कितना महंगा है? 35-40 रुपए का तो आता है। पेपर बोट ने हमें कोई पैसा नहीं दिया, हमें पैसा सिर्फ एक ही जगह से मिलता, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एक सर्वे है। हम चाहते हैं आप वो सर्वे भर दो, हमारे लिए बहुत जरूरी। नाम नहीं लेंगे हम। कितनी बार? 8 बार चीयर्स करेगा वो क्या? कंपनी पैसा, ये बुरी आदत इसको पता है किससे लगी? गिरीशा से। गिरीशा की आदत है, अगर आप गिरीशा के साथ बैठ के चाय भी पी रहे हो तो वो 3 मिनट में 800 बार चीयर्स करती है। क्या सीन है ये, पता नहीं। तो आउट ऑफ 10 तो इसको कितने नंबर देगा? आई लाइक दैट, आई विल रेट दिस 7। अच्छा लग रहा है, बट पीना चाहूंगा मैं इसको पूरा। मुझे भी अच्छा लग रहा है, इट हैज अ किक टू इट। बट जैसे श्री श्री बादशाह ने कहा है ना, जहां से होना चाहिए वहीं से है तू थिक, इसके साथ वो वाली बात नहीं है, थोड़ा ज्यादा थिक है। क्या बात कर रहे हो, पैग में इतनी थिकनेस नहीं चाहिए होती मुझे। आई विल रेट दिस 6 आउट ऑफ 10। तो बीमारों के लिए एक अनार बहुत होता है, ऐसा कहते हैं, उसमें बहुत सारे दाने होते हैं, सबको दाना देता है। Cheers. मुझे तो बढ़िया लगा भाई, रिफ्रेशिंग सा है ये। वेरी गुड, गुड जॉब।
विद विटामिन सी है ये। अरे यार वी हैड टू शेक इट वेल बिफोर सर्विंग, ऐसी शक्ल क्यों? आई तो डिडंट लाइक इट एट ऑल, मेरे को सही लगा। मुझे पता नहीं पोमेग्रेनेट जूस फ्रेश अच्छा लगता है, ये जो ये डब्बे वब्बे में आता है वो फील नहीं आती पोमेग्रेनेट जूस में। आई डिडंट लाइक इट, विच इज ओके, जैसे मुझे चिली गुआवा नहीं पसंद आया था, बट आई विल रेट दिस 7 out of 10। आई विल रेट दिस 6। अगली नेक्स्ट। हाँ पूरी पी जाओ पहले आप सबके सामने ये बात। अरे मतलब आपको ये पसंद आई, मुझे वो पसंद आई थी, पसंद मैटर्स। चलो ऑन दैट नोट लेट्स, अरे अरे दूसरा जाम लाया जाए अगला लाओ। ये बात मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ, दिस इज द बेस्ट पर्सन टू ड्रिंक विद, क्योंकि ये कभी भी ना पेग में हेरा फेरी नहीं करेगा। मैं कभी नहीं चाहता आप अकेले वंडो, दोनों साथ होंगे। ऐसा नहीं है कि अपना बड़ा बनाया दूसरे का छोटा बनाया, दूसरे का बड़ा बनाया अपना छोटा बनाया, नहीं बनेंगे तो बराबर बनेंगे चाहे कितनी भी रात तक पार्टी चले। आई डोंट नो, इन चीजों के लिए फेमस नहीं होना चाहता मैं वैसे, बट पता नहीं क्यों इन्हीं बातों के लिए लोग ऐसे तारीफ करते रहते हैं। अदरक की क्या खुशबू आ रही है, नाक खोल दी एकदम। ये अच्छा है, गुड कॉम्बो, ये अच्छा है, वाओ दिस इज अ रिवेलेशन। अगेन लाइक आई सेड, मीठा नहीं हो तो बढ़िया लग रहा है ना। देखो देयर वर ऑल द चांसेस ऑफ इट गोइंग द रॉन्ग वे, क्योंकि अदरक और जिन के बारे में आप एक साथ नहीं सोच सकते, बट पता नहीं कैसे इनका ऐसे यूं संगम सा बन गया। ये अच्छा है, इसमें वैसा टॉनिक के आसपास का फील है, तो दिस इज स्टिल गुड। मुझे टॉनिक के आसपास का बिल्कुल नहीं लगा फील, हाँ एक टॉनिक की तरह फिजीनेस है इसके अंदर। सो अभी तक जितनी भी चीजों के साथ हमने पिया है उसके अंदर से एक सिर्फ अनार का जूस था जिसमें बिना फिजीनेस के भी मुझे पसंद आया, बट अदरवाइज फिजी चीजों के साथ जिन ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ ये तो हमने ढूंढ लिया भाई, थोड़ा फिजी होगा तभी थोड़ा मूड डिजी होगा। तो इसको कितना रेट करेगा तू? मुझे ये पसंद आया, आई विल रेट दिस 8 बिकॉज इसका टेस्ट में कुछ तो बढ़िया है। आई विल रेट दिस 7। हैप्पी फिज, ठीक है, तो आई एम होपिंग कि ये अच्छी होगी क्योंकि हैप्पी फिज इन जनरल मुझे बहुत पसंद है। ओह फिज है आपके मुंह पे एकदम धूं गया इस तरह। वो फिज नहीं वो पंतू लग रहा है। ओह धूं इज नॉट अ गुड वर्ड, या नो जैसे पॉ इज नॉट अ गुड वर्ड। ओह बॉलीवुड में फिर भी बॉलीवुड में गाने बन जाते हैं। देखो अगर आपको लग रहा है हमने बराबर नंबर के पैग नहीं पिए तो देख लो टेंजेंट एकदम सेम, तो पैक तो हमने बराबर में किंग नंबर। फ्रैंकली स्पीकिंग हम वैसे भी सेम टेंजेंट पर रहते हैं इन जनरल। चीयर्स। ये लग रही है ड्रिंक, ये तो विस्की जैसी लग रही है भाई अब। और ये अगर बढ़िया भी होता तो मैं ऐसा फैंसी बनना है विस्की पीते हुए। 100 नंबर। ये तो बची हुई बोतल आज आप फिश पे पिएंगे, मैं बता रहा हूँ भाई, बहुत ही सही है ये। आपने अगर सिर्फ टॉनिक वाटर के साथ आज तक मासी की जिन पी है या कोई भी जिन पी है तो आप फिश के साथ प्लीज ट्राई करना, बिकॉज दिस इज था आई थिंक सस्ता जुगाड़। जैसे कहते हैं चांदनी रात में ताजमहल के सामने प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मिलने आए और मिलन हो गया, वो है ये। क्या वेयरवुल्फ हो गया? कौन करता रहे ऐसा? चांदनी रात में प्रेमी और प्रेमिका आगरा में हो तो समझ में आता। फीलिंग को समझो, ताजमहल इज जस्ट प्रेम का प्रतीक है, वो हर शहर में अलग है। आई विल गिव दिस 9 बिकॉज इट एक्चुअली टेस्ट नाइस। आई विल आल्सो रेट दिस, मैं इसको 8.5 दूंगा क्योंकि ये चांद का दिया बुझ गया। अगला ले आओ यार। I'm not excited for this one. Yeah, this तो मैं तो whiskey भी पानी में पी लेता हूँ, soda. हाँ मेरे को normal soda ना मतलब exciting लगता नहीं, वैसे ही मैं whiskey drink करता हूँ नहीं, और किसी drink के साथ आप soda पीते नहीं हो generally. ऐसा नहीं है कि मुझे soda नहीं पसंद, but मुझे पानी ज़्यादा पसंद आता, तो मैं I feel soda से अच्छा पानी में पी लो ना। ओ अरे ये मेरे को शिकंजी वालों से सीखा मैंने ये। क्या? क्या कर रहा है? Clearly मैं शिकंजी वाला नहीं बन सकता। I don't have the skills for it. Skill होती है वो। तूने सिर्फ गन मचाया और कुछ नहीं किया। I don't like it. ऐसा लग रहा है कि जिन को अचानक से बुढ़ापा आ गया है, ठीक है, और अब जिन ने एसिडिटी की गोलियां खानी शुरू कर दी। अब जिन अपने दिन गिन हाँ, रही है। जिन के आखिरी कुछ दिन चल रहे हैं। इट्स लाइक आप गुलाब जामुन बना रहे हो लेकिन बिना मीठे के। मान लो तुम फर्स्ट आए हो कॉलेज में, शाम को तुम्हारी पार्टी है, तुम बहुत खुशी खुशी गए, एक दोस्त ने ये पैक बनाया और तुमने पी लिया, तुम्हें अचानक से रियलाइज होगा कि फर्स्ट तो मैं आ गया बट प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी और तुम दुखी हो जाओगे। ऐसी ड्रिंक है ये। इसको मैं दूंगा
एक नंबर इसको मैं एक ही नंबर देना चाहूंगा। कोई आदमी ये ड्रिंक खुशी में नहीं पिएगा, दुख में ही पी सकता है कि कुछ भी है सोडा है वही दे दे यार। मैं सोडा के सदमे से निकल नहीं पाया, लेकिन जिंदगी का नाम है आगे बढ़ना। या विस्की के साथ एक बार के लिए कॉफी ना फिर भी ओके लगती है, क्योंकि आयरिश कॉफी थोड़ा फील्स आती है। बस कॉफी के नशे में ज्यादा डालता है। अरे उतना ही डाला भाई मैंने, एकदम स्कूल की फील आ गई। कभी कभार स्कूल में ना मैं लंच में बाहर जाता था, वापस आता था, मैं कहता था मेरी बेंच किसने गंदी की। सेम फील आ रही है आज कि मेरी बेंच पे कौन खा के गया। डूड ये तो जलते हुए भी कह रही है मत करो ऐसा कह रही है। आवाज आ रही है। त्राही माम जिन कह रही है बचाओ। इसका तो चीयर्स भी ऐसा दूध का साउंड कर रहा है ना। सोडा के साथ इतनी भी बुरी नहीं लगती दोस्तों। डूड ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। आई डू लाइक कॉफी बट जिन के साथ वेस्ट मत करो यार। हाँ मतलब ये दोनों चीजें अलग अलग काफी अच्छी चीज है। दो अच्छी चीजें तुमने खराब किए ठीक है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। हे रोना नहीं है। ये शायद अगर एस्प्रेसो होती तो हो सकता है अच्छी लग सकती थी, क्योंकि ग्रेटर दैन की एक कॉफी वाली जिन आती है वो पी है मैंने, वो अच्छी लगती है। आई थिंक जिन के साथ तुम दूध नहीं पीना चाहिए, ये गूगल पे कहीं लिखा होगा, हमने पढ़ा नहीं है। सोडा को मैंने एक नंबर दिया था, इसको मैं 0.5 नंबर दूंगा। जीरो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि जिन गई है इसके अंदर, जीरो तो नहीं बोल सकते किसी भी कीमत पे। नो आई थिंक कॉफी है तो मैं उतना बुरा नहीं बोलूंगा, सो आई विल रेट दिस 2। एक नंबर कॉफी का, एक नंबर जिन का। ओके ये दोनों टॉक्सिक है एक दूसरे के लिए। प्रीति और कबीर। आज अपना मौसी का नाम भी डिसाइड कर लिया है। मौसी प्रीति मौसी। प्रीति मौसी। आज से हर जिन वीडियो में मौसी के बारे में थोड़ा और जानेंगे। वन स्टेप क्लोजर। याद रखना जब भी तुम पी रहे हो ये हमें टैग करना है स्टोरी में, अब से लिखना है प्रीति मौसी हमारे साथ। अंतिल भाई की मौसी नहीं, अंतिल भाई की प्रीति मौसी। और उस पर गाना लगाना प्रीति वुमेन ठीक है, क्योंकि प्रीति प्रीति अगर हमने कोई ऐसी कमाल की चीज मिस कर दिया जो कि जिन के साथ बहुत बढ़िया लगती है, प्लीज हमें कॉमेंट में बता देना। yes. हम लोग अलग से ट्राई करेंगे, अगर वीडियो ना बना पाए तो क्यों नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे। प्रीति मौसी तो है अपने साथ। And don't forget to subscribe to The Urban Guide. चलो एक लिंक में कोई वो था ना हमारा सर्वे है यार, डिस्क्रिप्शन में एक सर्वे का लिंक है, प्लीज उसको फिल कर देना। नशे में नहीं है हम, काफी जरूरी है।